करने के लिए बैठे हुए हैं, सभी को धन्यवाद। और मैं तो ये कहूँगा बैनर के पीछे पीछे आ जाओ, अगर ऐसे ही पीछे लोग चलते रहे तो आप तो अधिकार खत्म करते जा रहे हैं, खाना भी बंद कर देंगे। इसलिए तो मैं सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम है, अपनी शक्ति दिखाऊंगे, तुझे सरकार अपने आप झुकते तुम्हारे पास आएगी, नहीं दिखाऊंगे। ओबीसी महासभा दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आज आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आए हैं, क्या प्रमुख मांगे हैं केंद्र सरकार के समक्ष? देखिए, मेरी मांग है मध्य प्रदेश को आज लेकर के आज हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं, और मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज के लोगों के साथ जो अन्याय किया है सरकार ने, उसके खिलाफ पूरा मध्य प्रदेश बंद है आज 21 मई को, उसके समर्थन में हम लोगों ने दिल्ली प्रदेश की जो ओबीसी महासभा की टीम है, पूरी टीम आज जंतर मंतर पे आई है, और अपना इस कड़कती धूप में आप सभी लोग देख रहे हैं कि कितनी मेहनत कर रहे हैं ये लोग, और इनके साथ में ओबीसी महासभा ओबीसी समाज के हक और अधिकार के लिए पूरी तन बंधन से समर्पित है। आपने कहा अन्याय ओबीसी समाज, क्या अन्याय हुआ है? जी, मैं अन्याय के बारे में अगर बता देता हूँ कि ओबीसी समाज भारत की बात अगर करें तो 1931 की जनगणना के आधार पर भारत में 52% की आबादी ओबीसी की थी। मध्य प्रदेश में भी हर प्रदेश में अगर देखा जाए तो ओबीसी किसी प्रदेश में 60% है तो किसी प्रदेश में 40% है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी जो ओबीसी समाज की वोटरों की गिनती अगर सरकार ने की है, वो भी ईमानदारी से नहीं किया, घर बैठ के इनके अधिकारी जो हैं वो अधिकारियों ने घर बैठ करके जनगणना की है, उसमें मैं बेईमानी करके भी इन्होंने 48% सरकार को आंकड़े दिए हैं, ओनली वोटरों के, पूरी जनसंख्या की गिनती नहीं की है, ओनली वोटरों की गिनती की है। मान लीजिए जिस घर में 2 वोटर हैं लेकिन उसके घर में 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चों को नहीं गिना है, केवल 2 वोटर गिने, तो उस परसेंट में भी उन्होंने 48% बताया है, तो 48% के आधार पर भी हमारी आबादी 48% अगर वोटर की लिस्ट है हमारी, तो हमारे वोट कहाँ जाते हैं? सरकारों को बनाने के लिए हम लोग वोट देते हैं नहीं देते हैं? लेकिन आप ये मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया कि वोट तो लिया ओबीसी समाज का, लेकिन इनको अधिकार नहीं दिया, अधिकार जीरो करा दिया। क्या अधिकार चाहिए? अधिकार ये था कि हमारी मांग है कि ओबीसी की हर विभाग में, चाहे शिक्षा शैक्षणिक विभाग हो, राजनीतिक विभाग हो, चाहे वो हमारा किसी भी तरीके का शैक्षणिक है, राजनीतिक है, या और भी हमारे बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें ओबीसी को परसेंटेज के आधार पर अधिकार मिलना चाहिए। 27 अभी नेता जो बनाए गए हैं मंत्रिमंडल में केंद्र सरकार द्वारा, वो ओबीसी समाज के ही हैं, आपकी जानकारी में हो, इतना सब कुछ सरकार ने कर दिया, आप फिर भी कह रहे हैं कि और होना चाहिए? देखिए मैडम, मैं आपको एक चीज आपकी नॉलेज को दुरुस्त कर देते हैं कि जिन लोगों ने सरकार जो बेईमानी करती है ना, वो मीडिया कर्मी जो हमारे साथी हैं, वो सही बात है, मीडिया कर्मियों को सब पता होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक डिबेट देखा था, उसमें एसपी सिंह बघेल को डिबेट में ओबीसी का नेतृत्व करता के तौर पे बैठाला गया था, ओबीसी के लोग उसमें ओबीसी एसपी सिंह बघेल को बैठाला गया था, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो एसपी सिंह बघेल आगरा क्षेत्र से चुनाव लड़े हैं, एसपी सिंह बघेल एससी सीट से चुनाव लड़े हैं, वो ओबीसी का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकते हैं? आप लोग बताइए, उसमें ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनके जो दांत होते हैं ना, दो दांत होते हैं, एक तो दांत होते हैं ना हाथी के दांत दो बड़े बड़े दिखाई देते हैं, उससे वो खाना नहीं खाते, वो हाथ जो खाना खाने के लिए दांत होते हैं वो अंदर होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो रूल है, जो रवैया है, उनकी नीति और नियत में फर्क होता है। आपको कहने का मतलब है जो शुरू से कार्यकर्ता के बतौर रूप में है उसको दायित्व नहीं दिया? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। हाँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो असली ओबीसी समाज के शुभचिंतक हैं, उनको उन लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया, उनसे तो पूछते ही नहीं है, उनको तो ऊपर तो क्राइम। आज हमारे ओबीसी एससी समाज के जो हमारे प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर रतनलाल जी, उनका क्या अपराध था? उनको आज जेल में डलवा दिया है। हम लोग मांग करते हैं कि ओबीसी हमारे रतनलाल जी को रिहा किया जाए। टिप्पणी की है ना? देखिए टिप्पणी की है तो उन्होंने टिप्पणी नहीं की है, ऐसी टिप्पणियां कितनी हुई हैं? हमारे पेरियार रामास्वामी के ऊपर केस क्यों नहीं किया इन लोगों ने? पेरियार क्या लिखा है एफआईआर में? उनकी रतनलाल की, जो प्रोफेसर रतनलाल की एफआईआर की गई है, उसपे कोई टिप्पणी का है? आपने देखी एफआईआर? उसमें कोई जिक्र नहीं उस तरीके का, एफआईआर में भी नहीं, और कह रहे किसी ने किया, उसका भी एक सोशल एक्टिविस्ट के नाम पे लिख दिया गया, उससे भी पहले, मतलब देश के ऊपर और भी तरह की कई तरह की हम गलत, चलो जो भी है, सोशल मीडिया देखो एक नैरेटिव होता है, सोशल मीडिया गांव का आदमी, किसान, गरीब, नौजवान, कितने लोग सोशल मीडिया पे हैं, उनका एक नैरेटिव है और वो नैरेटिव उसी के थ्रू फैला रहे हैं। आप ओबीसी मोर्चा के तहत आप ओबीसी की मांगों को लेकर के आए या रतन लाल जी के? हमारे रतन लाल जी का मैटर तो आज का है, हम लोग ओबीसी महासभा के आंदोलन को 1 हफ्ता पहले से तैयारी कर रहे थे, रतन लाल जी को तो आज गिरफ्तार किया है 4 बजे हम रतन लाल जी का मैटर हम आप बोल रहे हैं,
और हमारी मांग भी है कि हमारे ऐसे जो बहुत बड़े इतिहासकार हैं रतनलाल जी, आप खुश नहीं है कि बाबा निकल गए वहाँ से वाराणसी में? देखिए मैडम, एक ही मैडम मैडम एक बात बताओ, हमारा ये बाबा निकल गए या बाबा कहाँ थे, क्या मतलब है सुविधा? मतलब युवा है, युवा बच्चे कहाँ जा रहे हैं? मतलब नौकरी कितनी निकली दो साल में, नौकरी कितनी निकली? तो ज्यादातर आप देखेंगे तो ज्ञान व्यापी मस्जिद है। एक मिनट, मूल सुविधाएं पर सरकार ध्यान नहीं देती, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस और कुछ है ही नहीं। दो साल में नौकरी कितनी निकली? तो आप लोग भारत में, मैडम एक बात बताना चाहता हूँ, भारत में इतने लोग बैठे हैं ओबीसी समाज के, भारत में भारत के जो हमारी सरकारें हैं, जो वर्तमान सरकारें हैं, उन्होंने 50,000 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल बंद कर दिए। किसी को इस विषय पे किसी को चर्चा होती है कहीं? कोई मीडिया चर्चा चलाता है? स्कूल की कोई चर्चा नहीं है। गरीब जनता, गरीब बच्चे पढ़ाई के लिए परेशान है। शिक्षा इतनी महंगी कर दी हमारे देश में कि हमारे देश के जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं। ट्रेंड में तो मंदिर मस्जिद है। देखिए मैडम, ट्रेंड देखिए, मैं आपको बताऊं, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज को बनाया। आज तक जी न्यूज या कोई भी टीवी हमारे पास आई है क्या? हमारी आवाज को आप उठा रहे हैं तो आपको मैं धन्यवाद दे सकता हूँ, लेकिन वो लोग हमारी आवाज को नहीं उठाते हैं। आजकल टीवी पे आप देखिए कौन सी चैनल देखते हैं लोग, आज तक देते हैं, आज तक तो पूरा पूरा तो उसमें फुल एंजॉय करते हैं देख के कि हाँ अब क्या होने वाला है ज्ञानव्यापी मस्जिद में, आप लोग देखते तो होंगे ना। देखिए मैडम 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 मेरे से, मैं इस कचड़े में नहीं पड़ता, ये हमारे लिए कचड़ा है, मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं जहाँ धर्म की बात आती है, हमारे महापुरुषों ने बताया है कि इंसानियत से, मानवता से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, हम उस धर्म को मानते हैं। स्कूल से क्या कीजिएगा, बजाइए मंदिर के आगे घंटा, ताली, थाली, ये सब बजाइए ना। देखिए जो लोग हमें बनाना चाहते हैं, जो लोग हमें उस रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि वो लोग अपनी ताकत को, पूरी ताकत को लगाएं, हमारे देश के युवा को मंदिर की तरफ ले जाएं, हमारे देश के युवा को मस्जिद की तरफ ले जाएं। लेकिन डॉक्टर वीर सिंह के साथ में ओबीसी महासभा की पूरे देश की टीम लगी हुई है, अपने नेतृत्व को अपना खड़ा कर रही है और अपने समाज को शिक्षा की तरफ ले जाने के लिए। आप लगाइए ताकत धर्म की तरफ, मंदिर की तरफ ले जाने अभी के लिए। तो और भी मंदिर है, मथुरा है, ये सब भी अभी। मैं कहूंगा, मैं कहना चाहता हूँ, हमारी उस विषय पे कोई मांग ही नहीं है। ये लोग एक मंदिर नहीं, हजार मंदिर बनाए, हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारे गरीब बच्चे ओबीसी समाज के, ऐसी समाज के बच्चों को शिक्षा दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, जिससे तो कि वो लोग का मुद्दा ट्रेंड में नहीं है ना, तो मैडम 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 में कितने मंदिर है नेपाल में, कितने मंदिर है मैडम नेपाल में, कितने मंदिर है? तो नेपाल आज विश्वगुरु क्यों नहीं बन गया? अभी तो हिंदू राष्ट्र भी बनने वाला है। वो तो बन चुका है ना नेपाल? नहीं भारत तो, चलो भारत की बात अलग है, नेपाल तो बन चुका है ना मैडम? नहीं, नेपाल में क्या हुआ? नेपाल में गरीबी, आज यहाँ नौकरी करने क्यों आ रहे हैं आप? उसी में लगे रहो, नशा है, नशे में आप लगे रहो, आपको पता ही नहीं नौकरी 3 साल से सेना में कितनी। मैं कहना चाहता हूँ, इन लोग जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना चाहते हैं, आप लोग एक गांव बना के दिखा दीजिए हिंदू, जिस गांव में 10 बिरादरी के लोग रहते हैं ना, एक दूसरे के यहाँ पानी नहीं पीते हैं। अभी हम अभी कोरोना खत्म हो जाने दीजिए, सीए फिर से लागू होने वाला है। देखिए अमित शाह क्या, जब तक मोदी रहेगा ना इस देश पर, तब तक क्या कोरोना जाएगा नहीं? ये कोरोना से कितनी मौतें हो रही हैं, आप कह रही हैं कोरोना जाएगा नहीं? गाय भैंसों का, बच्चों का, ये मुंह का छीका बांधते थे कि बच्चा दूध नहीं पी जाएगा, तो वो इंसानों का काम करता है, इंसान अपनी आवाज बाहर नहीं निकालेगा। मैडम मैं कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी प्रकार की अगर साइंटिफिक अगर बीमारी हमारे देश में आ गई है, तो सरकार का काम है उसको संभालने का, सरकार का काम है उनको जो सुविधाएं उनको मुहैया कराने का। कितनी कितनी मौत हमारे, अभी आप लोगों को 5-5 किलो राशन मिल रहा है, और क्या सुविधा? मैडम 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 मैं कहना चाहता हूँ राशन की मुझे आवश्यकता नहीं है, और ना मैं केजरीवाल जी को भी कहना चाहता हूँ कि मुझे राशन की जरूरत नहीं है, मुझे रोजगार की जरूरत है। आप लोग जो हमें लालच दे रहे हैं ना, आप लोग हमारी बहन बेटियों को फ्री घुमाने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ एक बहन बेटी को नौकरी देकर दिखाइए आप, फिर आपको पता चलता है आपको भी नौकरी पे लगा लेंगे केजरीवाल जी, जो आप लोग सीट हमारे बोर्ड से जाकर के आप 7-8 साल में आप मुख्यमंत्री बना दिए जनता ने, क्या किया? बना तो रहे हैं केजरीवाल जी, इतने स्मार्ट स्कूल बना दिया आप कह रहे हैं। मैडम मैडम स्मार्ट की बात कहां, मैडम आप मैडम एक बात बता दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं, आप हकीकत जमीन पर उतर के देखिए, फोटो से कुछ नहीं होता है, आप जमीन पर उतर के देखिए क्षेत्र का माहौल क्या है, क्षेत्र में कितना बड़ा स्कूलों में क्राइम है, बच्चे बिल्कुल हॉस्पिटल में दिल्ली के नहीं आते हैं मरीज, बिहार के यूपी के सबसे ज्यादा आ रहे हैं, और सबको सुविधा देते हैं केजरीवाल जी, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए देखिए मैडम, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की ये सारी जो नीतियाँ हैं, सारी नीतियों के हम बिल्कुल समर्थन में नहीं है,
मैं आपको बताना खुल के, मतलब मोदी जी की सेवा नहीं चाहिए आपको? नहीं नहीं, फ्री की मेरी सेवा को क्या, मैंने फ्री मना किया है, मुझे फ्री कुछ नहीं चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। जनता को सबको चाहिए मैडम। मैडम मैं जनता के और जनता के बीच में ही खड़ा हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूँ। मैडम आज आप देखिए ना, अब इनके जो तैयारी शुरू हो गई है, किसी को कहते हैं आप जिसके घर में राशन कार्ड क्या होगा कि उनकी क्या क्या नीतियां बनाई हैं लोगों ने, तो आप वो पता चलेगा ना जनता आपको क्या करेगी। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ही तो बिल्डोजर चलाया जा रहा है। देखिए मैडम, हमारे देश में संविधान संवैधानिक पूर्व जो देश है, इसको बिल्डोजर के रूप नाम से मत डराइए, ये बिल्डोजर से डरने वाला देश नहीं है, संवैधानिक रूप है। क्या फिर मैडम, मैडम देखिए मैडम, साफ सुथरा करने के लिए किसने मना किया? एक सेकंड मैडम, साफ सुथरा करने के लिए हमने नहीं रोका, हम तो पहले से भी सरकारों से बोलते आए, इनको वोट भी देते आए इसी मुद्दे पे कि आप देश को अच्छा स्वच्छ देश बनाना चाहते हैं, आप विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन बना कभी विश्वगुरु कैसे बनेगा? विश्वगुरु कैसे बन सकता है? देश देखिए मैडम, देश क्या है मैडम, देश क्या है? ये लेख दो, देश कोई मंदिर नहीं है, ऐसे कोई घर नहीं है को उठा के ऊपर भेज दिया, उन्हें विश्वगुरु बन गया। देश में रहने वाली 150 करोड़ की आबादी, इन लोगों से देश बनता है। ये देश, इन लोगों को पूछिए कि खाना खाया है आपने, नहीं खाया है, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कहने से विश्वगुरु और देश सुंदर देश नहीं बन जाता है मैडम। 5 किलो राशन दे तो रही है सरकार, इसीलिए कि भूख लग रही है कि नहीं, वो तो दे रही है राशन, आप कह रहे हैं कि पूछ रहे हैं मैडम, बार बार राशन का मुद्दा पा जाता, राशन हमें नहीं चाहिए मैडम। मैडम एक बात बताइए आप लोग, मैं राशन की बात तो मैंने अभी इसलिए नहीं की है कि राशन हमें आवश्यकता नहीं है, हम लोग रोजगार चाहते हैं, बार बार हमारी एक ही मांग है कि हमें रोजगार चाहिए, हमारे युवाओं को रोजगार चाहिए। आप क्या, आप, अरे मुझे क्यों चाहिए, मुझे, मैं तो अपना जैसे चल रहा है वैसे चल, मैं तो, मेरी तो उम्र भी रोजगार के लिए नहीं, हम तो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। इतनी खामियां हैं बीजेपी सरकार में आप कहें तो, अभी आप दिल्ली में भी कह रहे हैं केजरीवाल जी की सरकार, फिर भी इनको वोट क्यों चला जाता है बताइए? जनता समर्थन करती है तभी तो जाता है, इतनी भारी मतों से जीतते हैं लोग। देखिए 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 ये हमारे और जगह कहीं और नहीं जीतते तो सवाल नहीं। मैडम मैं बताता हूँ आपको, मैडम आपको मैं बताता हूँ, हमारे देखिए, मैं बताता हूँ, मैं ईवीएम के बारे में बता देता हूँ, ईवीएम के बारे में बता देता हूँ। हमारी ईवीएम दो कंपनियां बना रही है, दो कंपनियां बना रही हैं, दोनों कंपनियों को 38 लाख 38 लाख ईवीएम लागू हुआ है पूरे भारत में, लेकिन अगर हम पूरे रिकॉर्ड में अगर चेक करेंगे तो मात्र 20 लाख ईवीएम यूज हो रही है। 20 लाख ईवीएम का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, वो कहाँ है? सरकार इसका क्यों नहीं डाटा दे रही है? हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि 38 लाख ईवीएम भारत में है, दो कंपनियों ने इनको प्रोवाइड कराई है। मैं नहीं चाहता हूँ ईवीएम से चुनाव, मेरा ईवीएम के साथ। मैडम मैं एक बात बताऊँ, इतने बड़े बड़े टेक्निकल देश हैं, पूरा सबसे ज्यादा टेक्निकल हमारे भारत में है क्या? हमारे देश ही सबसे बड़ा टेक्निकल है। इन चोरों को अब हकीकत पता चल गया है, ओबीसी समाज ऐसी समाज और माइनॉरिटी के लोग, ये सारे लोग जाग चुके हैं। अब इनको ईवीएम के नाम पर, किसी के नाम पर ऐसे इनको घुमाया जाता है, ये बेचारे भोले भाले लोग हैं, कहीं इनको लाल। अभी ओबीसी वोट कैसे डलेगा बताइए आप? बैलेट पेपर से डलेगा, मैं पहले नहीं था। पेपर में खर्चा कितना आता है, पेपर का कितना नुकसान, मैडम मैडम कितना बर्बाद होगा मैडम। मैडम नहीं नहीं नहीं, जनगणना हुई थी, सरकार ने खर्च के तो आंकड़े पेश कर दिए, खर्चा इतना हुआ है, जनगणना के आंकड़े पेश नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्यों नहीं किए सरकार ने, करने चाहिए। आप नहीं समझते कि समय की नहीं, नहीं नहीं नहीं, ईवीएम का कोई समर्थन नहीं हमारा, हमारे उसका जवाब कौन देगा? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ये चोरी के अलावा कुछ नहीं है। ईवीएम के नाम पर ये ठगी करते हैं हमारे साथ, ये वोटों की चोरी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं सरकार, सरासर मेरे खिलाफ एफआईआर करा दो, मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ एफआईआर करा दो, मैं कह रहा हूँ, अरे मैडम मैं कहता हूँ मुझे फांसी लगा दो, देशद्रोही तो बाद का, मुझे फांसी लगा दो, मैं कहने को तैयार हूँ। हमारे देश में हमारे देशद्रोही हार के अंदर मुख्यमंत्री हुड्डा था उस टाइम पर, मेरे घर से 4 बेटियां को रेप होता है, 4 बेटियां चली जाती है रात को, और सरपंच के पास जाते हैं, सरपंच साहब बेटियां गई, अरे कोई बात नहीं आप चिंता मत करिए घर में आ जाएंगी बेटियां, तो सरपंच की साय थी ना, हुड्डा से मिलते मुख्यमंत्री से, हुड्डा कहता आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरे पाँव में दर्द है, उसकी ऐसी की तैसी, वो वहाँ पे पुतला फूका जो हमारे ऊपर राजद्रोह लगा दी उन्होंने, हम पुतला भी नहीं फूक सकते आपके ऊपर लगा था। हाँ जी राजद्रोह, 8 साल भुगती हूँ मैं, 8 साल। आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जनता आपको देख और सुन रही है, क्या अपील और क्या संदेश देना? देखिए मैं संदेश देना चाहता हूँ SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों से, सब लोग एक हो जाएं, ये सामंतवादी लोग हैं और संविधान को खत्म करने वाले लोग हैं, ये संविधान को खत्म करने के लिए ये लोग तैयार हैं, लेकिन हमारा भी संकल्प है SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग सभी लोग मिलकर के ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संविधान को बचाने का काम करेंगे, और आप सभी लोग तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपको धन्यवाद।